वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई बाइक ले रहे हैं या फिर अगर आप कोई बाइक प्लान कर रहे हैं लेने का, तो डिलीवरी से पहले, पेमेंट से पहले आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है जो बहुत ज़रूरी है, या फिर इन जनरल PDI कैसे करते हैं इस वीडियो में। तो PDI इन जनरल मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला मैं बोलूँगा विजुअल, दूसरा टायर्स, तीसरा विल बी द पार्ट्स, फोर्थ विल बी इलेक्ट्रिकल एंड फिफ्थ विल बी द फ्लूइड्स, जो ब्रेक फ्लूइड, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विजुअल्स की। विजुअल्स में क्या आता है, जैसे बॉडी में कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं है, फेंडर ठीक है, एग्जॉस्ट में कोई स्क्रैच तो नहीं है, और आपको देखना है कि इसके नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले हिस्सों में, अंडर बॉडी में कोई डैमेज तो नहीं है। जैसा आप लोग को पता है कि मैंने इस बाइक की डिलीवरी अभी ली है रिसेंटली, तो मेरे केस में क्या हुआ था कि जैसे ही मैं शोरूम गया, मुझे पता लग गया था कि ये मेरी ही बाइक है, क्योंकि मैंने MIY के थ्रू मंगाया था, जिसमें अलॉय व्हील्स मैंने ऐड किए हुए थे इस वाले मॉडल में। मुझे सबसे पहला डैमेज क्या दिखता है इसमें कि इसका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे नीचे डेंट हुआ हुआ था। वीडियो लगा दूंगा PDI वाले दिन का। और नीचे जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसमें भी डेंट हुआ था। मैंने उन्हें बोला कि इसमें तो डैमेज है, उन्होंने काफ़ी लाइटली उसको लिया। उन्होंने बोला कि उतारते समय ट्रक से डैमेज हो गया है, आप टेंशन मत लो, हम सब चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने देखा इसमें आगे पीछे के फेंडर, इस जगह पे भी डैमेज तो नहीं, खैर स्क्रैचेस थे। तो उन्होंने उसके लिए भी बोला कि आप थोड़ा वेट करो, हम सब चेंज कर देंगे। तो ये तो हो गया विजुअल एस्पेक्ट जो हमने देखा है। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, बट वो भी बहुत क्रूशियल है, जैसे कि ये सीट। जैसा कि आप नई बाइक लेते हो, आप यूट्यूब पे, गूगल पे आप बहुत रिसर्च करते हो, और वैसे ही रिसर्च मैं भी कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डिलीवरी करते समय इस सीट के नीचे यहाँ पे स्क्रैचेस आए हैं, फेंडर के ऊपर डेंट्स आए हैं फेंडर के ऊपर। तो मैंने भी इस सीट को खुलवाया, वीडियो मैं प्ले करता रहूँगा। उस दिन की मैंने सारी वीडियो ली है, जस्ट मैं उस दिन कुछ बोल नहीं रहा था, मैं बस चुपचाप वीडियो ले रहा था। विजुअल एस्पेक्ट्स की तो बात हो गई, उसके बाद हम बात करेंगे टायर्स की। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैसे पता करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये है क्लासिक 350, और इसमें एग्जॉस्ट राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपको देखना है यहाँ पे डॉट, और डॉट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक नंबर होगा 5022। तो फर्स्ट दो डिजिट है वो है वीक, और सेकंड दो डिजिट है वो है ईयर। तो ये मैन्युफैक्चर हुआ है 50th वीक ऑफ 2022। अभी है अप्रैल, तो ये लगभग 4 महीने पुराना है, विच इज ओके। 6 महीने से अगर आपका पुराना है टायर, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको एक रिप्लेसमेंट करें। और आगे वाले टायर की इंफॉर्मेशन है राइट साइड पे, जो कि है यहाँ डॉट, और ये 11th वीक ऑफ 23, यानी कि जनवरी फेब्रुअरी मार्च का टायर है। तो ये 1 महीना पुराना और वो 4 महीना पुराना, ऐसे आपको चेक करना है। ये हो गई टायर्स की बात, उसके बाद हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की। तो उस पार्ट्स में सबसे पहले फ्यूज़ बॉक्स, तो फ्यूज़ बॉक्स मैं खोलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये है फ्यूज़ बॉक्स, और ये है टूल किट। इसे अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे फ्यूज़ है, एक्टिव फ्यूजेस, और ये 3 स्पेयर में है, तो दिस इज ओके। और ये आपको टूल किट कंपनी से ही आएगा, ये आपको चेक करना है। ये हो गया टूल किट, और जो फर्स्ट एड किट है वो आपको हेलमेट के साथ डिलीवरी के वक्त मिलेगा। अगर वो भूल जाते हैं तो आप उनको बोलो कि फर्स्ट एड किट भी आपको चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है ओडोमीटर रीडिंग क्या है। ओडोमीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से इस वाले बटन को आप अगर आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये चेंज हो रहा है। तो ओडोमीटर हो गया, फिर ट्रिप 1, ट्रिप 2,
टाइमिंग, ये आपको चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से इग्निशन ऑन करना है और EFI इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यहाँ पे फ्यूल पंप है तो उसका एक साउंड आएगा, आपको वो भी चेक करना है। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको, तो ये साउंड था फ्यूल पंप का। अब मैं इसको और क्रैंक करूँ तो ये बाइक स्टार्ट हो गई। आपको देखना है साउंड इसका, चेक करना है कि ये कैसी है, कोई नॉकिंग साउंड तो नहीं आ रहा है, इंजन से कोई एबनॉर्मल आवाज तो नहीं आ रहा है, ये आप चेक करें। 30 seconds विल बी इनफ। फिर आप चेक करो कि इसका हजार्ड सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं अच्छे से, लो बीम हाई बीम चेक करो, हॉर्न भी इसी समय चेक कर लो, और बैकलाइट चेक करना है, ब्रेक चेक करना है कि ब्रेक प्रेस करते समय इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं। तो ये सारे चेक्स के बाद आपको फ्लूइड लेवल्स चेक करना है, जैसे हो गया इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक फ्लूइड लेवल हो गया। फ्लूइड लेवल में सबसे पहले आप चेक करो कि इंजन लेवल कैसा है, जैसा कि मेरे केस में ये मैक्सिमम पे है। यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड चेक करो, ये भी मैक्सिमम पे है, और यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है बट ये भी फुल है। तो ये सारे चेक्स तो मेजॉरिटी के हो गए, जहाँ पर कोई इशू आने का चांसेस है आप इन सारे चीज़ों को ज़रूर देखें। और इसके अलावा जैसे कि बैटरी कनेक्शंस, क्रोम पार्ट्स में कोई रस्ट तो नहीं है, एंड रस्टिंग का पार्ट आपको यहाँ भी देखना है O2 सेंसर के पास। बस मेजॉरिटी यही था जो मैंने कवर किया। अगर मुझसे कुछ टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट्स में डालिए, कमेंट्स में मुझसे पूछिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पिंग कर सकते हैं, वहाँ पर हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। बाय।